अभी हाल ही में बिहार के कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। इनमें कटिहार के एसपी मोहन जैन और डीएम मिथिलेश मिश्र भी शामिल थे। इसके बाद मंगलवार शाम इनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने इन्हें फेयरवेल पार्टी दी, जिसका आयोजन कटिहार के गोल्फ मैदान में किया गया। इसी दौरान एसपी साहब ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पार्टी का माहौल था, ऐसे में एसपी और डीएम दोनों ही मस्ती में डूबे नजर आए। एक तरफ जहां मिथिलेश मिश्र शोले फिल्म के गाने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर थिरकते नजर आए, तो दूसरी तरफ एसपी मोहन जैन की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। एसपी साहब ने खुशी जाहिर करते हुए अचानक हवा में 10 राउंड गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि उनकी ये हरकत किसी की जान भी ले सकती है। क्या किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करना कानून का उल्लंघन नहीं है? जब एसपी ऐसा कर रहे थे तब वहां मौजूद डीएम ने भी उन्हें नहीं रोका। वो गाना गाने में पूरी तरह से मशगूल दिखे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जिले का एसपी ही इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाएगा तो आम लोगों से कानून पालन करने की अपेक्षा करना बेकार की बात प्रतीत होती है। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज।